पूर्व मध्य रेलवे का फैसला, अब घर बैठे जनरल टिकट ले। जी हाँ, आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा। मैं हूँ सुशील और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ई पंचायत, डिजिटल पंचायत। हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि घर बैठे कैसे जनरल टिकट काटें। यदि आपका घर 20 किलोमीटर की दूरी में है स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से, तो आप घर बैठे जनरल टिकट काट सकते हैं। शुरुआत के दिनों में यह दूरी 2 किलोमीटर था, इसके बाद इसे 5 किलोमीटर किया गया, परंतु अब यह 20 किलोमीटर तक के परिधि को बढ़ा दिया गया है। 20 किलोमीटर की परिधि में भी यदि आपका घर पड़ता है तो आप जनरल टिकट काट सकते हैं, तब आपको भीड़ भाड़ में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं, UTS मोबाइल ऐप पर क्लिक करें और देन इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद यह एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगा, तो ओपन वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। ओपन करने के बाद यह एप्लीकेशन कुछ इस तरह से दिखता है। डिवाइस में लोकेशन को अलाउ कर देना है, इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके पास या तो पहले से ID और पासवर्ड इसका जनरेटेड होगा, यदि नहीं जनरेट होगा तो रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करके और अपना अकाउंट क्रिएट कर ले। इसके लिए मोबाइल नंबर, नाम, पासवर्ड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ जैसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनको डालने के बाद आई एक्सेप्ट द UTS पे क्लिक करके और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। वन टाइम पासवर्ड आएगा, वन टाइम पासवर्ड डाल करके इसे वेरीफाई कर देना है, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। दोबारा से ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद नॉर्मल बुकिंग का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, बुक एंड ट्रेवल पर क्लिक करना है। देन डिपार्ट फ्रॉम स्टेशन पर क्लिक करना है और जिस स्टेशन से आपको यात्रा प्रारंभ करनी है उस स्टेशन को सेलेक्ट करेंगे। स्टेशन सेलेक्ट करने के बाद गोइंग टू पर क्लिक करेंगे और जिस स्टेशन तक हमें जाना है उस स्टेशन को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यदि 2-3 रूट से यह गाड़ी जाती होगी तो उसमें से आपको एक रूट को सिलेक्ट करना होगा। रूट को सिलेक्ट करने के बाद गेट फेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यदि आपके पास वॉलेट में अमाउंट है तो वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज अदर ऑप्शन भी आपके पास पेमेंट करने के हैं, इसके लिए बुक टिकट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप बुक टिकट पर क्लिक करते हैं तो पेमेंट गेटवे आपका खुल जाता है। यहाँ आप पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज तीनों में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मोबीक्विक पर टिक आउट करके हमने मेक पेमेंट पर क्लिक किया। इसके बाद आपके पास यदि आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नेट बैंकिंग से भी पेमेंट करने के ऑप्शन हैं। आप चाहें तो वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं।
यदि आपको नेट बैंकिंग से पेमेंट करना है तो बैंक को सिलेक्ट करना होगा और पे पर क्लिक करना होगा। नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा और पेमेंट करना होगा। इसी तरह से यदि आप चाहें तो प्लेटफॉर्म टिकट भी ले सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन है प्लेटफॉर्म बुकिंग, उस पर जाना होगा, बुक एंड प्रिंट पर क्लिक करना होगा और जिस स्टेशन के लिए आप लेना चाह रहे हैं उस स्टेशन को सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। यह डिक्लेरेशन होता है कि आपको टिकट प्रिंट आउट अपने साथ में लेना पड़ेगा, देन बुक टिकट पर क्लिक करेंगे। वॉलेट में यदि अमाउंट है तो वॉलेट से करेंगे या अदर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट गेटवे खुलेगा, यहाँ से तीनों में से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम पेमेंट कर सकते हैं, चाहे कार्ड से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या वॉलेट से भी कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसे पेमेंट करना है। तो हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।